सामान खरीदने से कुछ नहीं होता, उसको जोगने से होता है। जितना कठिन है रखने में उतने कठिन है उसको संजोग करके रखने। संजोगा सीखिए, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको रखा कैसे जाता है ये सीखिए। ओके, हम सीख लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे उसका। जी, पैसे बचाने की बात तो दूर की है, मैं फालतू खर्च भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। इस पर मेरी पत्नी महारानी सोची हमसे तो सुधरने वाले हैं नहीं, तो माँ से शिकायत लगा दी और माँ से इतनी ज़्यादा बातें सुनने को मिल गई मुझे। और यहाँ पे हम माँ के लिए साड़ी लेकर के आए थे, पहले तो माँ से पूछे ही नहीं कि माँ साड़ी दे रहे हैं आपको, नहीं तो पूछते तो मना ही कर देती सीधा कि नहीं जा रही है साड़ी खरीदने का, डैडी दिए ही हैं, इसलिए हम पहले ही खरीद लिए और सीधा माँ को दिखा रहे हैं। माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। माँ आ गई है और आते ही लग गई काम पर, आराम से बैठती जिया काम कर ही रही थी, तो दिक्कत क्या था तुमको? बड़ों का क्या काम होता है, अभी हम तो बूढ़े भी नहीं है। अच्छा, हमको किसी नहीं, बूढ़ी नहीं है लेकिन सास तो हुई नहीं गई है, उसका मतलब 70 प्लस में हमको। अभी 60 प्लस। अच्छा, माँ आ गई है और माँ को फिर मंदिर लेकर के आए हैं। जो भी बहुत दिनों से हमारी ब्लॉग को देख रहे होंगे, आप लोग को पता होगा कि माँ जब भी आती है मंदिर जरूर आती है, तो माँ मंदिर में पूजा कर रही है और हम बाहर माँ का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर जाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, वह एक साफ सुथरा पवित्र जगह है जहाँ लोग सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचता है, इसलिए। और ये न कि भगवान मंदिर में ही रहते हैं, भगवान हर जगह विराजमान हैं, सर्वज्ञ हैं, उनका कोई जगह निहित नहीं है, लेकिन हम लोग आस्था के प्रतीक मानते हैं मंदिर को, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। 2 hours later। जो सामान बच गया तो तुम लोग कर लेना। ये सामान कौन है? सामान सब सामान अभी पूजा का साड़ी लाए ना? जो हमको याद जितना रहा वो सब लाया, जो बचा ना बोले कल जी आर शाश्वत को भेज देना, जो भी लाना होगा कल तुम लोग, हमसे उतना पार नहीं लगता है का व्रत है। क्या कर रही है वहाँ पर? उतरो। अच्छा, बहुत बढ़िया, चेक करने वाली हुई क्या? खाली चाय पीते हैं इसीलिए पेट दर्द होता है। अच्छा, बोलते अपना 20 कप पी लिया फिर मैं बैठ गई। ये तो मुझे नहीं होता है, कैसा बताऊं? और सब जो था वो हम उठा करके दे आए छत पे। कितना भारी है, जरा दे उठा तो। भारी है तभी तो दे उठा। आज ना आप जल्दी से काम खत्म करोगे, समझे? क्या काम? आज हम मार्केट जाएंगे, 2 महीना से माइब्रो नहीं बन पाए हैं, भालू जैसे हो गए हैं। कोई बात नहीं, तो अभी पूरा भालू जैसा बन ही नहीं है, पर ली है कि 3 साल तुम्हारा जो है आईब्रो नहीं बन पाएंगे। बहुत बढ़िया, तब आपका भी दाढ़ी नहीं बनने देंगे पूरा। जो कोई दिक्कत नहीं होता है, दाढ़ी बन गया ट्रिमर उठा कर ले आइए, बस खचा। यहाँ पर भाई साहब सब लाइट लगा रहे हैं, उधर लाइट लग रहा है और इधर सफाई देवी अपने काम पर। हाँ, तो सफाई देवी किस लिए नाम रखे हैं? One eternity later। जी, आज धनतेरस है और हम लोग जा रहे हैं खरीदारी करने, तो हर धनतेरस को कुछ ना कुछ आता है ही घर में, आप लोग के भी घर में आता होगा, जिनके यहाँ भी दिवाली मनती होगी धनतेरस तो जरूर मनता होगा। फिर तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और दिवाली के लिए भी कुछ सामान जो है लेना है वो आज ही खरीद लेंगे, उसे पहले भी खरीदा था जिसका एक ब्लॉग डाला है हमने। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं माँ के पास और माँ के पास जा करके देखते हैं और क्या क्या चाहिए, पूरा लिस्ट बना करके ले चलेंगे वहाँ पर। इनको सब चीजें पनीर चाहिए और लॉन्ग लॉन्ग। हम पहुंच गए हैं मार्केट और शुरू करते हैं अपनी खरीदारी। और जी, यहाँ पे हम पूजा के लिए घंटी ले रहे हैं, छोटा वाला था मेरे पास लेकिन सोचे एक बड़ा वाला घंटी ले लेते हैं। जी, पर्व त्योहार के समय जो सबसे अच्छा लगता है ना, वो जो एक माहौल बन जाता है ना पर्व त्योहार वाला, आसपास एकदम रौनक छा जाता है, एकदम जश्न का माहौल होता है। बाजार जाओ तो आप एकदम भीड़ भाड़ तो रहता है लेकिन मजा आता है घूमने में। कभी कभी सोचता हूँ अपने पूर्वजों के बारे में, कितनी अच्छे से सिस्टम बना दिया है उन्होंने। लोग अपनी जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते हैं काम धंधे में, और एक साल में मौका आता है
जब लोग सभी काम धंधे को भुलाकर जश्न में डूबे हुए रहते हैं, इस समय गरीबों का भी फायदा हो जाता है। वो सभी जो भी अपना बेचना चाहते हैं, लोग खरीद भी रहे होते हैं और लोग भी साल में एक बार खुशी से हर सामान खरीदते हैं। मार्केट में जी जाम जो है जी, पूछिए मत, इतना जाम है यहाँ पर। जिया इंतजार कर रही है कब ठेले वाले भैया जो है निकलेंगे और ये उधर जाएंगे। इधर जाम देखिए, क्या जाम है इधर, दुनिया भर का जाम है इधर जी। जिया को चुनरी लेना था और हम लोग गुजर रहे थे यही मार्केट से और देखिए कि यहाँ पर बुजुर्ग दंपति जो है यहाँ पर बेच रहे थे चुनरी और देख रहे थे कोई इनके पास नहीं जा रहा था। और जब गए इनके पास तो देखा कि मार्केट रेट से आधे दाम पर बेच रहे हैं, तब भी कोई नहीं आ रहा। हम लोग इनके पास रुक गए और इनसे ही सामान ले लिया और जितना मार्केट रेट था हमने उससे भी ज़्यादा रेट इनको दे दिया। कहा कि जी आप रखो ये और अपना आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत आशीर्वाद है, अगर ज़िंदगी रही तो अगली दिवाली में फिर मिलेंगे यहीं पर। ये थोड़ा भावुक कर दिया हमें। फिर जी वहाँ से सारा सामान लेकर के दूसरे मार्केट में चले गए। वहाँ से हमको लटकन लेना था गेट पे लगाने के लिए और रंगोली बनाने के लिए लेना था, तो ऐसे ही छोटे छोटे सामान हमको और भी लेने थे। उसी बीच में हमें हमारी एक सब्सक्राइबर मिल गई। फिर जी जब बात करते करते इनको बताया कि हम इस हाई स्कूल से पास आउट हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से बैच के पास आउट हैं। तो बताया कि हम इसी ईयर के पास आउट हैं। तो उन्होंने बताया कि उस ईयर में मेरे भाई भी थे। तो जब उन्होंने अपने भाई का नाम बताया तो वो मेरा क्लासमेट निकला। तो जी इसे ही कहते हैं सहयोग, कौन कहाँ कब मिल जाए किस मोड़ पर, किसी को कुछ नहीं पता जी। हाँ ये ले रही है लटकन, दो दे दे। रंगोली वाला जो मिट्टी आता है, चलिए 120। ले ली ये रंगोली वाला कलर लेना था जिया को। 9-10 दुकान ढूंढी जिया तब मिला इसको ये रंगोली वाला कलर। कुछ खरीदारी हो गई है तो अभी और भी खरीदारी करनी है। आप चलते हैं आगे। आप जा रहे हैं दूसरा एक मार्केट है वहाँ पर जा रहे हैं और मेन जो धनतेरस का सामान है वो धनतेरस का सामान अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो वो भी लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग क्या लेने वाले हैं। तो इस धनतेरस के लिए जो हम लोग सामान खरीदे हैं तो वो समय आ गया है, वो बता देते हैं आपको कि इस धनतेरस में हम लोग क्या खरीद रहे हैं। ये मॉर्फी रिचर्ड्स का गीजर है जो हमने लिया है और 25 लीटर का है। हाँ जी हाँ इंतजार कर रही है कि कब ये सब प्रोसेस खत्म हो और उससे फ्री हो जाए। पिछला गीजर था वह था बजाज का, यह लिया मॉर्फी रिचर्ड्स का। और उसने पिछला वाला जो हमारा था ना वो ये वाला, हाँ कोई भी इशू लेके नहीं आया, सही चला। ये वाला मॉर्फी रिचर्ड्स का लिए हम लोग इस बार। तो ठीक है अब चलते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखते हैं कोई रिक्शे वाले को। चलो भाई विदा करते हैं तुमको। बिजली ऑफिस जाइएगा, फोन ले लो, भटकेगी तो बता देना। हमारे पीछे जाओ। यह था हमारा धनतेरस का सामान और यह था हमारी धनतेरस की कुछ शॉपिंग और दिवाली से रिलेटेड कुछ शॉपिंग। और हम लोग दिवाली का भी ब्लॉग डालेंगे, यह तो धनतेरस का ब्लॉग था। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी वो तो विश करना हम भी भूल ही गए। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जी, आपका जीवन खुशी रहे, मंगलमय रहे और भगवान करे आप जो भी चाहते हो लाइफ में भगवान आपको सब कुछ दे। तो जी इसके साथ ही हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे।
और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय और फिर से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।